बहरहाल मुझसे लोग पूछ रहे हैं जी आपकी वाइफ क्यों नहीं आई, आपकी बेटर हाफ क्यों नहीं आई। मैंने कहा भैया आपको मालूम बेटर हाफ क्यों कहते हैं उसे? बात यह कि पहले खुदा ने आदम को बनाया और आदम को देखा कि ये तो बहुत अच्छा है, फिर उसने कहा इफ आई ट्राई अगेन आई कैन डू समथिंग बेटर, इसलिए उसे बेटर हाफ कहते हैं। अगर आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ तो अच्छी बात है, मुझे मालूम नहीं कि आवाज़ साफ जा रही है कि नहीं। और फिर लोग भी कह रहे हैं कि अपनी वाइफ को आप क्यों नहीं लेके आए। मैंने उनको समझाया भैया कि मेरे पास एक ही वाइफ है, अगर हर जगह लिए फिरूंगा तो वियर एंड टियर बढ़ जाएगी, वो तो बीमार पड़ जाएगी, फिर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। और डॉक्टर को मैं विश्वास इसलिए नहीं करता क्योंकि दे प्रैक्टिस ऑन यू, कितनी प्रैक्टिस करी है डॉक्टर ने मुझे मालूम नहीं है। कई दफ़ा ऐसा भी होता ना, ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल बट पेशेंट डाइड, तो इसलिए मैं लाया नहीं। फिर दूसरी बात एक और भी मैंने सुनी है, एक ब्रिगेडियर थे जो कर्फ्यू के दिन में अपनी वाइफ को ऐसे घुमाने निकल गए शाम को, तो हवलदार ने रोक दिया उनको, हॉल्ट तुम किधर जाता है? तो ब्रिगेडियर ने कहा, वो सिविल ड्रेस में थे, कि मैं अपनी वाइफ को घुमाने ले जा रहा हूँ। उसने कहा तो ठीक है लेकिन तुम्हारा पास किधर है? तो ब्रिगेडियर बोले साहब पास तो मेरा घर पर पड़ा है। और हवलदार बोला साहब आप भी कितना अजीब किस्म का इंसान है, जो घर रखने की चीज़ें साथ ले घूम रहा, जो साथ रखने की चीज़ें घर पर पड़ी है। बहरहाल किस किस के समझ आ रहा है मुझे मालूम नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ रिस्पॉन्स नहीं है तो पता नहीं आवाज़ ठीक आ रही है। गीत गा रहा हूं मैं, यीशु का साथ है तो डरने की क्या बात है। चंगा करता